Namaskar. Let's start this edition of Youth Express with a love song. Wo pehli baar jab hum mile haathon mein haath hum tum chale ho gaya ye dil deewana hota hai pyar kya humne jana. Very good. होता है प्यार क्या हमने जाना, क्या वाकई हमने प्यार को जान लिया है. वन ऑफ द एसएमएसेस दैट आई रिसीव्ड द अदर डे वाज, इफ यू वांट टू नो व्हाट ट्रू लव इज, आस्क योर मॉम. बट देन अगेन, दिस इज फेब्रुअरी व्हेन लव इज इन द एयर. व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ वैलेंटाइंस डे? लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ लव. लेट्स स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस इन दिस एडिशन ऑफ यूथ एक्सप्रेस. एंड टू हेल्प अस पुट इनटू पर्सपेक्टिव दिस एंटायर सब्जेक्ट, प्लीज वेलकम रक्षंदा जलील, राइटर एंड somebody who's written a lot on the Delhi social life. लेकिन सबसे पहले मैं यूथफुल ऑडियंस के पास जाना चाहूंगा. आकांक्षा, क्या है वैलेंटाइंस डे? आई थिंक वैलेंटाइंस डे इज अ डे फॉर एक्सप्रेशन ऑफ लव. ओके. आई थिंक एक्सप्रेशन ऑफ लव नेवर हर्ट्स एनीवन, बट ओवर द इयर्स लव हैज बीन ट्रिवलाइज्ड एंड बिकम अ शो ऑफ वेल्थ इंस्टेड. बट दिस लव इज फॉर हूम? This expression love, of love is for whom? Love can be for anyone, for your parents, for your friends, for your significant other. It does not need to be just for that person. Okay, yeah. Amri? I totally agree with my friend. Love is anything, any relationship, any person, your mom, your dad, your best friend can be your Valentine. It's not only your boyfriend, only your girlfriend. Okay, so would you wish on Valentine's Day, happy Valentine's Day, Papa? Happy Valentine's Day, Mama? Why not? Yeah. Okay. Sure. Anuja? Yeah, I totally agree with all of them. It's exactly between a mother or a daughter. It's just that you make the other person smile and you get a day to do that. Okay, so it's all about smiles. How many of you believe in Valentine's Day, the observation and celebration of this day? Okay, that's about 60%. And those who don't believe, so that's about 40%. Kirti, why would you not observe Valentine's Day? I think when you love somebody, you love them throughout the year. You love them every second. You do not need any particular day to celebrate your love. You love them unconditionally every second. That is what I want to say. Okay. Rakshanda ji, Valentine's Day, प्यार का पर्व होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप क्या कहेंगे? इन बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. ये दोनों पक्ष इन्होंने आपके सामने बहुत खूबसूरती से रखे हैं. इनका ये कहना है कि ये सिर्फ सिग्निफिकेंट अदर के लिए नहीं है इन अ रोमांटिक सेंस. इट कैन बी फॉर योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड, एनी बॉडी यू केयर फॉर. एंड जैसा कि इस बच्ची ने कहा कि यू नो इट कैन बी थ्रू आउट द ईयर, तो मैं ये दोनों ही बातें मानती हूँ. और मेरे ख्याल से हमें अगर इस पर्सपेक्टिव हम इस चीज़ को देखें तो इस विवाद और झगड़े और कंट्रोवर्सी की फिर जगह ही नहीं बचती है. बिकॉज ये बड़ा एक सेन पर्सपेक्टिव इन बच्चों ने रखा है आपके सामने. जी, लेकिन आपको लगता है कि आज के इस दौर में जिसमें जी रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं प्यार की कमी खलती है? प्यार की कमी तो मेरे ख्याल से कोई नहीं है, बल्कि एक एक्सेस मुझे दिखने लग गया है. ओके, एक्सेस दिख रहा है. मतलब एक बहुत ज्यादा मुझे कभी कभी लगता है कि चाहे वो हाइप मार्केटिंग का हो, चाहे वो राइट विंग या लेफ्ट विंग या कौन सा भी विंग कह लीजिए, तो मुझे कमी तो नहीं नजर आ रही. मुझे परेशानी अगर हो रही है तो एक्सेस से हो रही है. ओके, यस आकाश. Ma'am, obviously we don't need a particular day to express our love, but do you think that we are so lost in this materialistic world that today we need a particular day? I mean, is this the reason that we have a particular day for expressing our love to anyone? Maybe it is a mother, father, family members, or maybe my girlfriend. वैलेंटाइंस डे की जो हिस्ट्री है वो तो एक्चुअली दूसरी ही है. वो एक सेंट वैलेंटाइन थे और उनका पर्व मनाया जाता है. तो अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो एक दिन जैसे कि और सेंट्स के लिए है या और देवी देवताओं के लिए है, तो उस लिहाज से ये एक दिन है, पर्व इसलिए बन जाता है. लेकिन जैसा कि आप लोग कह रहे हैं और बात कर रहे हैं, मुझे भी वो बात समझ में आती है कि हमें कोई एक ख़ास दिन की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जैसे हम ईद क्यों एक दिन मनाते हैं, हम सिवैयां साल में हर साल बना सकते हैं, हम दिवाली के दिए एक ही दिन क्यों जलाते हैं, तो पर्व की एक अपनी सिग्निफिकेंस हो जाती है. उसी तरह से 14 फरवरी की भी एक सिग्निफिकेंस हो गई है. ये मतलब नहीं है कि साल के बाकी दिन आप अपना एक्सप्रेस नहीं कर सकते. लेकिन रक्षंदा जी, जब आप किसी को प्यार करते हैं, कई बार कहते हैं जी एक्सप्रेस करना भी जरूरी है, दैट गुड दैट यू हैव अ स्पेशल डे वेयर यू कैन गो एंड से आई लव यू. व्हाई नॉट, व्हाई नॉट. बस ये है कि उस दिन गुलाब बहुत महंगे हो जाते हैं. जी, आप में से किसी, आपका गुलाब का अनुभव क्या रहा मैडम? अभी तक शायद गुलाब नहीं मिला. और नहीं भी मिला तो जैसे ये कह रहे हैं कि क्या जरूरत है, उसके बगैर भी बहुत तरीके हैं. मैम, आई हैव अ क्वेश्चन. एज यू सेड कि एक्सेस ऑफ लव इज देयर, एज आप कह रही है देखने को मिला, लेकिन फिर भी सुसाइड केसेस होते हैं लव में भी, पेरेंट्स की तरफ से भी हो रहा है, बच्चों की तरफ से भी हो रहा है. व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाट डू यू थिंक? इसके तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं, उसको हम वैलेंटाइंस डे के साथ ना जोड़ें तो बेहतर है. बस बात वहीं आ जाती है कि मॉडरेशन अगर हम किसी भी चीज़ में
दिखाएं, चाहे वो तीज त्यौहार का सेलिब्रेशन हो, चाहे अपनी रिलेशनशिप्स हो, तो मेरे ख्याल से ये ट्रैजिक इंस्टेंसेस नहीं होंगे। But मैम, disappointment happens to the extent of tragedy when the reality is different from your expectations. Now, if I have a broken heart and days like Valentine's Day come, do you think that you know it's difficult for a person to adjust? I think when we get into the calculations कि मुझे इतने गुलाब मिले और उसको इतने मिले, I got so many cards and so got so many cards. My date took me to a restaurant where the bill came to this much and so just took me to McDonald's. That's not true love. Then we are talking about a different thing and that's what we need to watch out against. Okay. Don't get into the mathematics of it. Okay. Okay. You know? Get into the chemistry. Yes. Ma'am. Yeah. Why not? Yeah. मैम, जैसे कि आपने बताया कि हम ईद मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, तो इससे मैं सहमत हूँ क्योंकि ये हमारी धार्मिकता को, हमारे भीतर की धार्मिकता की पुष्टि करता है, उसे प्रोत्साहित करता है। परंतु वैलेंटाइन डे जो हम मनाते हैं ये प्रेम के लिए मनाते हैं और प्रेम ईश्वर के बाद दूसरा ऐसा शब्द है जिसकी कोई परिभाषा नहीं है। तो प्रेम जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, क्या उसकी अभिव्यक्ति के लिए एक दिन होना वैलेंटाइन डे के रूप में, क्या ये प्रेम का अपमान नहीं है? प्रेम जैसे अनिर्वचनीय, अकथनीय, अपरिभाषीय शब्द का नहीं, देवी देवताओं के लिए भी हमने दिन वो कर लिए हैं, उसमें हम कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहे। हम ये नहीं कह रहे कि अगर हमने फलाने का पूजा इस दिन की तो इसका मतलब ये कि हम बाकी दिन नहीं कर रहे हैं। तो उस विवाद में ना पड़िए, आप इसको इस तरह से ना देखिए कि अगर हम इस दिन मना रहे हैं तो क्या हम बाकी दिन नहीं मना रहे हैं, तो फिर हम डिसरिस्पेक्ट दिखा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी एक को एक दिन के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उससे ये नहीं अर्थ निकलता कि बाकी दिन आप उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे या याद नहीं कर रहे या सिग्निफिकेंस नहीं दे रहे। आपने एक दिन डेडिकेट कर दिया है उसके लिए, उस दिन लेकिन आप बिल्कुल बावले ना हो जाइए, बस मैं ये कह रही हूँ। जी मैम, व्हाई ओनली 14th ऑफ फेब, व्हाई सेंट वैलेंटाइन ओनली, व्हाई नॉट एंटायर 365 डेज? नो, व्हाई नॉट जब शाहजहां ने मुमताज को गुलाब दिया था या कोई और ऐसे एग्जांपल? उसकी हमें याद नहीं, तारीख पता नहीं, लेकिन अब आप कह देंगे क्रिसमस 25 दिसंबर को ही क्यों होता है, यू नो, तो ये डिटेल्स में जाने से क्या फायदा। जी मैडम, आपका सवाल। अभी तो 4 तारीख है, 14 दिन में 10 दिन रह रहे हैं, क्या तैयारियां हैं आपकी वैलेंटाइंस डे की? मेरी ऐसी तो कुछ तैयारी नहीं है, बट व्हाट आई वुड लाइक टू से इज दैट वैलेंटाइंस डे एज सच, कभी कभी ऐसा होता है कि देयर आर सम पीपल हु वांट टू एक्सप्रेस देयर लव ऑन दिस डे बिकॉज दे कैन नॉट एक्सप्रेस इट ऑन एनी अदर डे। सो दिस डे हैज़ बिकम गुड ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम इट हैज़ बिकम नेगेटिव ऑल्सो। मतलब कुछ लोग होते हैं जो अपनी फीलिंग्स जाहिर करना चाहते हैं और इसी दिन में वो मतलब यू नो दिस लीड्स टू वायलेंस ऑल्सो समटाइम्स। मतलब आप में से कोई है जिसको एक्सप्रेस करनी थी फीलिंग्स और हैंडी आया इस तरह का दिन दैट यू कुड हैव गॉन ऑन टू योर बिलव्ड और योर पेरेंट्स एंड यू सेड आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मा, आई लव यू सो एंड सो, एनीवन हु कुड प्रॉब्ली एक्सप्रेस दैट? यस मैडम, क्या इंसिडेंट रहा? सी, आई wish my parents I love you mom, I love you dad every day. Okay. But I would like to tell that for father, there are Mother's Day, there are Father's Day, there is Friendship Day, and so for girlfriend and boyfriend, we have Valentine's Day. Okay, so you would like to see it as more for a boyfriend and a girlfriend? Yeah, it should, because there are other days for meant for them, na? Okay, that's a valid point. Excellent. Just yes. Want to make a point that there is a lot of exclusivity to that. Okay. I mean, we always make love very exclusive to one person, rather than, that's what they said, that you know, it's like, it's on one direction. It is not as if, because love is basically something which is universal, right? So we, by making it exclusive, by making it one directional, we just... Okay, let's go to your left direction right now. Okay. Yes, ma'am. I completely agree with what she just said. And in my experience, I was in an all-girls school. And for me, Valentine's Day meant exchanging roses or a card with my friends. Yeah. So it was a day more of celebrating my friendship with my classmates. And the friends could be assigning boys or girls since you were in a girls' college. Yeah, I was in an all-girls school and we exchanged roses. And you didn't regret it. Really, you didn't awesome regret that. It. Yes, okay. We had no issues at all. No issues with that. Yeah. Yes, madam, you wanted to make a point before I go to Rakhshanda ji. Yes. What's your experience of Valentine's Day? Actually, what I wanted to say has already been said. Okay, what was that? It was the same thing that I think that Valentine's Day should be left only for that someone special, because we have other days for mothers and fathers, you know. So okay, we have another color that is, okay, so you got a clapping from the girl. Another thing that I see is a lot of people in the audience wear red. I chose to wear red as well. Do you think that was intentional to wear red? Yes, if you, I can, I guess. Okay, Rakhshanda ji? Well, I'm not wearing red. Yeah. But do you think the point that has been made across by a couple of youngsters, you've got a Mother's Day, Father's Day, and therefore why not limit Valentine's Day to more someone's special friend? Well, initially it was. I mean, if you go into the history of it,
it was supposed to be a day for your beloved in a romantic sense. But what these children here are saying, I quite agree with that, that, you know, I mean, you can't, what is to stop you from giving a teddy bear to your father or from giving, you know, a nice sweet card to your parents or your uncle or somebody. So you can remove it from the romantic context and still say I love you to an uncle and an aunt, okay. A friend, like this girl said that she went to a girl's school where it's perfectly all right to do that, you know. Right. So any of these could be your Valentine, but of course, Kirti, you don't agree with that argument. Somewhere I feel that these days have become more like marketing gimmicks where corporate companies are selling, they are selling so much stuff, teddy bears, cakes. More and more stuff is sold on these particular days, and I think that is the prime motive of fixing or demarketing these days as Valentine's Days or Mother's Days or Father's Days. Okay. That is what I feel. Okay, Shivanji, what's your take? If you were to get a gift for your Valentine, do you think a lot of options are there and it's commerce that is being driven, you know, when you talk about days like these? It's about commerce? People want to make profits out of this? Yes, sir. I agree with Kirti. Okay. इससे ये लोग marketing ज़्यादा करते हैं. Okay, what are the other gifts that probably sell like hotcakes when you have Valentine's Day, ma'am? What all gifts really you can buy in the market these days? Sir, it can be if the guy is, I mean, much into love, he can give a ring. Oh. This is diamonds on the love. Diamonds are forever? This is very interesting. And I mean, what is much into love, you see? Are we going to decide the sort of the extent or the depth of love by the cost of the gift? You know, this is worrying. I mean, as a parent and as somebody who's a generation older than you, this worries me. But probably that might just be the truth, because if you go out in the market and have a look at the items that are on display, have a look, from teddy bear to diamonds forever, you've got the wide range. You have a wide range. जीरी 420 फिल्म का ये गाना प्यार हुआ इकरार हुआ तो फिर इकरार करने से इजहार करने से क्यों डरता है दिल. लतिका, इतने सारे गिफ्ट्स हैं, इजहार करने से अगर दिल डरे तो वैलेंटाइन डे आपका मनोबल बढ़ाता है कि नहीं इजहार करो? नहीं, मैं थोड़ी इस ये मैं ऐसा नहीं मत रखती. मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, कि ये जो फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइन डे, ये जितना भी कॉन्सेप्ट है ये वेस्टर्न कल्चर से आया, और वेस्टर्न कल्चर जो है वो काफ़ी भागदौड़ या आपाधापी, मतलब हमारा जो इंडियन कल्चर है वो काफ़ी संस्कार परिवार इस तरह से, तो वहाँ पे लोगों के पास टाइम नहीं था, इसलिए उन्होंने डे बना दिया फादर्स डे, मदर्स डे. एक तरफ हम बात करते हैं कि हम रोज़ अपने पेरेंट्स, बिलव्ड या किसी को भी हम विश कर सकते हैं, हमें कुछ स्पेसिफिक डे नहीं चाहिए, बट दूसरी तरफ हम जब ये डेज आते हैं वी गेट एक्साइटेड, तो कहीं ना कहीं ऐसा एनवायरनमेंट या हम दोहरी भूमिका खुद में नहीं जी रहे? ये ज़रूर है कि आज से 50 साल पहले तक दिल्ली में, हिंदुस्तान में शायद किसी ने वैलेंटाइंस डे सुना नहीं था, ना इतनी ज़्यादा सेलिब्रेट होता था. वक्त के साथ, कमर्शलाइजेशन के साथ एक हिस्टीरिया जनरेट हो रहा है. आप ठीक कह रही हैं कि ये चीज़ें जो हैं शायद हमने ज़रूर वेस्ट से कॉपी की हैं, लेकिन हमने बहुत सी और चीज़ें भी सीखी हैं, और कोई भी एक इंसुलर तरीके से नहीं रहता. कोई भी मुल्क, कोई भी कंट्री ये कह दे कि जी हमारा तो एक आइसोलेटेड कल्चर है और हम अपने आसपास से कुछ ना देखेंगे ना सुनेंगे, आँख कान बंद करके रहेंगे, ये भी आज के दौर में मुमकिन नहीं है. तो थोड़ा बहुत तो इन्फ्लुएंस वेस्ट को इससे ज़रूर होगा. उन्होंने भी योगा सीखा है, भूलिए मत ये बात. आप लोग वो भी आजकल चिकन टिक्का मसाला खा रहे हैं और हल्दी डाल रहे हैं अपने खानों में. तो ये तो एक टू वे प्रोसेस है, ईस्ट वेस्ट से सीखता है, वेस्ट ईस्ट से बहुत. लेकिन आपको लगता है ग्लोबलाइजेशन का जो असर पड़ा है पॉजिटिव ज़्यादा है, ये तो नहीं कि हम अपनी संस्कृति भूल रहे हैं? देखिए, मैं इन बच्चों से ये पूछना चाहूँगी कि बसंत आने वाला है, आप में से कितने लोगों को ये मालूम है कि बसंत कब होता है? दो लोग. बसंत पंचमी आने वाली है बहुत जल्द. और बसंत क्यों मनाया जाता है? उसकी सीजनल और क्लाइमेटिक तो वजह है ही कि मौसम बदल रहा है, स्प्रिंग आ रही है, बट सरस्वती की पूजा होती है. आप लोग स्टूडेंट्स हैं, सरस्वती तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए. आजकल लक्ष्मी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैम, अनफॉर्चुनेटली. तो बसंत की जो ये दो पहलू थे, क्यों हम भूलते जा रहे हैं? एक ज़माना था, मेरी माँ मुझे बताती हैं कि वो एक गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी और बसंत बहुत अच्छी तरह से मनाई जाती थी. सब लड़कियाँ पीले कपड़े, पीला दुपट्टा, पीली साड़ी, पीली कमीज़, कोई चीज़ पीली पहन के आती थी. टीचर को मस्टर्ड के फूल देती थी, पीले चावल या कुछ घर से बना के लाते थे, लोग आपस में शेयर करते थे. तो कल्चरल चीज़ें भी तो हैं. तो जो ये बच्ची कह रही है, मैं मानती हूँ ये बात कि हमने बहुत सी चीज़ें वेस्ट से सीखी हैं, ली हैं. हम आंखें तो नहीं मूंद सकते, लेकिन हम अपनी संस्कृति से क्यों आंखें मूंद रहे हैं? Right. अगर हम वो सब देख रहे हैं तो इसको भूलना नहीं चाहिए. जी बिल्कुल. जी अगला सवाल. मैम, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे वैलेंटाइंस डे इट्स फॉर लवर्स एज इट इज सेड, एंड लव इज लाइक वी कैन गिव इट, ईदर वी कैन टेक इट, बट
for the recent years, in the recent years, we have been seeing, जैसे ही Valentine's Day आता है, anti-social elements जो है, वो बहुत ज़्यादा active हो जाते हैं. जो भी अफवाह फैलानी होती है, यहाँ वहाँ हबदड़ मच जाती है. और जैसे मुंबई में incident हुआ था, ऐसा क्यों होता है? मतलब बाकी दिनों के लिए क्यों नहीं है? बेशक ये वेस्टर्न कल्चर है, बट बाकी चीज़ें भी हमें वेस्ट से भी आई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं. तो इसी चीज़ पे क्यों टारगेट किया जाता है? कहीं जो इसका रोमांस से, कपल डम से एक सिग्निफिकेंस है, कपल्स को मनाने का फेस्टिवल है, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं. तो वो एक राइट विंग एक थिंकिंग है जिसको लगता है कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, और इससे हम एक ख़ास किस्म की सोच को बढ़ावा दे रहे हैं यूथ में. ये अलग बात है कि यूथ में वो सोच है ही, और हम उसको नकार नहीं सकते हैं. मतलब इट्स अ फैक्ट ऑफ आवर लाइफ. बट इंडियाज कल्चर इज सो स्ट्रांग दैट वी कैन नॉट बी रूटेड. आई थिंक वी कैन इट्स नॉट सच अ बिग थ्रेट टू आवर कल्चर, एटलीस्ट आई डोंट थिंक सो. व्हाट इज अ थ्रेट इज द एक्सेस, दैट इज वरिंग. राइट, यस मैम, आई वुड जस्ट लाइक टू पुट द पॉइंट दैट I feel the celebration of this day is very much justified, because if we can have all the other days, almost all the days of the year can be counted to be some Mother's Day, Father's Day, or a Teacher's Day, or the way New Year Eve is celebrated worldwide. So there are these days which are celebrated all over the world. Right. So in a sense, it gives a sort of global unity when we celebrate right. these days. Okay, one becomes a global citizen. I go by with everyone what they just said, that I don't think we should actually be creating such a big hoopla out of this day. If people want to celebrate, let them celebrate. So you find no difference between 13th Feb, 14th or 15th Feb? I personally don't. Okay. I personally don't. Ma'am, let the day pass. Yes, if somebody wants to spread the message of love, let them do it. Otherwise, just it's a change of date. Yeah, my problem has always been with what I call excessive devotion to a cause. Whether that cause is love and romance, or that cause is anything else, politics or anything. So it's the excess that is bothering me over and over again. Okay. And with each passing year, I see that excess becoming a little alarming. I think what we are all debating is, does it need this kind of hype and hoopla? I think what we are really coming here together to talk about is, no one here is saying don't celebrate this love. No one is saying this day is a bad day or it should be boycotted. No one is saying that. I mean, maybe one or two people think they want to sleep through the day. But for the rest, it's a nice, happy occasion. But ma'am, the reason why we're also bringing it to the table in this episode of Youth Express is that if you look at the Hindustan Times, the leading Delhi, you got the bottom anchor today, yeah. which on basis of a survey said that Delhi is big on small. These days, most of the Delhiites are going for nuclear families. The concept of joint families is going. That's why, where is that love? Yeah. The love that used to bind the families. Sure. And I that's think, where I think this festival possibly. Assumes significance. It's entirely possible. A sociologist can put this better, but maybe young people are gravitating more towards these expressions because, you know, the family and other situations don't give them those ways that were existing earlier, and those are not there now. So it's entirely possible that there's a sociological explanation for this boom. Right, a day when we surely can strengthen our bonds with our loved ones. Yes. Ma'am, you talked about excess of love and other people. I actually didn't talk about excess of love, you know. Okay. I talked about the excess that we see, whether it's in marketing or the hype or the hoopla. I'm talking about that excess. I don't think there can be an excess of love unless it's a very dangerous sort of thing, you know. No, but like organizations like MNS and others, they talk about that this day, the expression of love that is happening is not in sync with the Indian sanskar. But throughout Indian history, we've seen overt expression of love, maybe Khajurao, maybe Konark. Then why do they not take that, you know, into sight, and why do they just completely dismiss such days, and why are they creating nuisance, maybe Mangalore incident, and across okay. the country? Okay, so you're saying the youth doesn't want that? Youth is happy exactly. doing. Youth and we're just keeping the same. We're just designating a day to it. Okay, it's been throughout our history, okay. our culture. Okay. Yes, ma'am. Yeah. Like you said, that you are asking that why does MNS do that? I feel that just the fact that the girl today has the power to choose her own partner, they can't stand it. They want the girl to be under their control. Let's so have a round of clap for that one. That's why they fight against it. I think that's the crux of it. They want to okay. maintain that patriarchy. Okay, yeah, no, if you could pass on the mic. Maybe girls are more visible on this day. Yes.
What's your take? You come from Darjeeling. Yeah. I also wanted to counter argue one point, that is, we're talking about commercialization of products here, right? But if you don't have products to express yourself, I mean, I don't think so Valentine's Day would stand significant. Okay, so whether it's a rose or whether it's something, exactly, you need to give something. Exactly. So I'm sure everyone rushes to Archie's store or, you know, flock in some gallery, and then you buy things for He doesn't go to the gallery. Yes. I may not go to the gallery, but I kind of agree, because I think when people talk about commercialization, they're kind of laying the blame on, well, the advertisers, the marketers, but they won't sell if we don't go to buy. It's as simple as that. So, but is the youth of today very gullible? एक बहुत ही लुभावना ad आता है और आप कहते हैं नहीं, मुझे भले अपनी किताबें बेच के लाना पड़े तो मैं वो लेके आऊँगा चीज. जी, आपको लगता है advertising का क्या असर पड़ रहा है youth पर? I don't think it's as prevalent as you feel it is, but there is certainly an impact of advertising big time, because media messages today are prevalent, completely, they're pervasive, all pervasive. जी. So, ma'am, I have a question for you. Do you think advertising is defining our definitions of love is being changed because of all this advertising? I don't know if it's defining, but it's certainly influencing. But what the sense I'm getting is also that apart from advertising, let's not just make that the villain, there's peer pressure also. And peer pressure also makes people do all kinds of things in the build-up towards Valentine's Day. लेकिन अगर urban youth और rural youth की बात करें, आपको लगता है कि वहाँ पर भी अलग-अलग likings? मेरे ख्याल से मुझे लगता ही है कि ये urban phenomena है largely. ये कस्बों में और hamlets में तो जा रहा है, लेकिन rural India में शायद इसकी पहुँच नहीं है. Okay. Which is not such a bad thing. Okay. Final words. Well, final words. What would you like to say? I think mostly that it's mostly herd mentality which is there, which is what people follow, as she said. Peer pressure. Yeah. It's like if my friend is buying a card and if my friend has a girlfriend, by next Valentine, I too have to, you know, have to have a girlfriend. Is it a status symbol to have a Valentine? It is a status symbol. I feel there is a status symbol because... Okay, yeah. Ma'am, tell me, who buys the gift? The boy for the girl or the girl buys the gift for the boy? Actually, I would like to disagree with her. Okay. Valentine's Day, it's not a big deal, you know, not to celebrate Valentine's Day. Like, if I don't have someone in life, I would just get a rose for myself. Oh, love your own self and be happy. Excellent. You know? What's your name? Rakhshanda. Right, Vaishali. Well, Vaishali has given us a good cue to conclude this edition, as she said, that fall in love with yourself, because that's the beginning of lifelong romance. Final words, Rakhshanda ji. Celebrate it by all means, but please don't go OTT, over the top. Okay, thank you so much, ma'am. Thank you very much. Okay, as the youth uses a lot of jargon these days, so has our guest, so that we could connect better. Don't go OTT, over the top. It's a day that does remind us that we need to probably strengthen our love towards our loved ones. But at the end of the day, it is just a change of date as well. On that lovely note, this is Amit taking leave of you. Thank you for watching.